इस बात की गारंटी थी, अगर आप काशी आते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिसे आप भैरवी यातना कहते हैं, उसे उन्होंने ही शुरू किया था। आखिरी 40 सेकंड में कई जन्मों के एकत्रित कर्म तेज गति से नजर आते हैं। काल भैरव का मतलब है वो जो काले हैं। यह उनका एक आयाम है। इसे कई तरीकों से देखा गया है। यह शिव का एक भयंकर रूप है। जब वो विनाश करने लगे, किसी चीज का विनाश नहीं, समय का विनाश। देखिए, सभी भौतिक चीजों की एक समय सीमा होती है ना? अगर मैं आपके समय का नाश कर दूं तो सब खत्म। तो काल भैरव का मतलब यही है। क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन अच्छे से जीने का फैसला नहीं करते। उनकी एक इच्छा होती है, कम से कम उनकी मृत्यु शानदार तरीके से हो। यही छोटी सी इच्छा लाखों लोगों को काशी खींच लाती है मरने के लिए। तो जीवन के अंतिम चरण में लोग आए क्योंकि वो शानदार तरीके से नहीं जी पाए। उनका सपना था कि वो कम से कम शानदार तरीके से मरे। शानदार तरीके से मरने का मतलब है कि मृत्यु से ना सिर्फ शरीर का त्याग हो, बल्कि मृत्यु से परम मुक्ति तक पहुंच पाए। इस बात की गारंटी थी कि अगर आप काशी आते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, भले ही पूरी जिंदगी आप बेहद बुरे इंसान क्यों ना रहे हों। तो तमाम बेकार लोगों ने वहां आना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने बुरे तरीके से जीवन जिया था और वो शानदार तरीके से मरना चाहते थे। इससे बेकार लोगों की संख्या बढ़ने लगी। फिर शिव बोले, ये जगह खराब होती जा रही है इतने बेकार लोगों के कारण। वो जगह खुद भी खराब बन गई, इसलिए वो बोले इसे कंट्रोल करना जरूरी है। जिसे आज भैरवी यातना कहते हैं, उसे उन्होंने ही शुरू किया था। आपको पता है यातना का क्या मतलब है? यातना का अर्थ है भयंकर पीड़ा। ऐसा आपके साथ नरक में होता है, पर वो इसे आपके साथ यहीं कर देंगे। जीवन के आखिरी 40 सेकंड में अगर व्यक्ति चेतन है या वो किसी प्रतिष्ठित जगह में है, तो हर इंसान के साथ स्पष्ट रूप से ऐसा होगा। चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो, चाहे मृत्यु अधिक उम्र के कारण हो या बीमारी, आखिरी 40 सेकंड में कई जन्मों के एकत्रित कर्म तेज गति से नजर आते हैं। उस पल इन 40 सेकंड में ही अगर आपने अज्ञानता का जीवन जिया है, अगर आपने अचेतना का जीवन, अचेतना के कई जीवन जिए हैं, इन 40 सेकंड में अगर आप थोड़ी जागरूकता बनाए रखें, तो वो कहते हैं कि आप कई जन्मों के एकत्रित कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आप सिर्फ 40 सेकंड के लिए एक तीव्र पीड़ा से गुजरेंगे और फिर शुद्ध हो जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। मूल रूप से आध्यात्मिकता का मतलब आपके जीवन को तेज गति से भगाना है। आपका कष्ट भयंकर हो सकता है क्योंकि सब कुछ तीव्र गति से घटित हो रहा है। जिसे आप 10 सालों तक खींचते, वो मान लीजिए एक महीने में हो रहा है। तो आप जिस कष्ट से गुजरते हैं उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। आनंद और खुशी के पल हो सकते हैं, मगर कष्ट भयंकर होता है क्योंकि चीजें आपके अंदर तेज गति से घटित होती हैं। तो कम से कम अपने जीवन के अंत में आप प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो भैरवी यातना ये सब एक शक्तिशाली प्रतिष्ठित स्थान के कारण होता है। प्रतिष्ठित स्थान का अर्थ ये है, एक चीज तो यही है कि ये जीवन केंद्रित हो जाए। इसका मतलब है कि जीवन इतना एकाग्र हो जाए कि वो जबरदस्त गति से कर्म के ईंधन को जला दे। कुछ समय बाद जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो और यात्रा नहीं होगी, वो बस जलता रहेगा।
दरअसल आप तेज गति से चक्कर काट रहे हैं, तो यही एक प्रतिष्ठित स्थान का मकसद है। काशी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से उसे बनाया गया, उसकी कला, उसकी सुंदरता। उन दिनों कहते हैं कि धरती पर कोई दूसरा शहर इतना सुंदर नहीं था। ये सब चीजें मिलकर वो एक बड़ा आकर्षण बन गया। उन्होंने लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो वातावरण तैयार किया। तो काशी सिर्फ सुख और सुंदरता नहीं है, वो ऐसी जगह है जहां लोग दुख के सबसे तीव्र रूप को झेलते हैं, क्योंकि वो जीवन को बहुत तेज गति से भगा देते हैं। कई जन्मों की चीजें एक ही पल में जल जाती हैं।